सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूर्यांश निगरे बैक विद न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इजीली हेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल्स का ही यूज़ किया हूँ। तो जहाँ जहाँ हमें हेयर्स की डायरेक्शन दिख रही है, तो उसी डायरेक्शन में हमको हेयर्स की आउटलाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैं पेन पेंसिल की निब के मदद से इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके जो हेयर्स के जो हाईलाइट रहता है, मैं उसको दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 2B स्टेडलर की पेंसिल से जहाँ जहाँ लाइट एरियाज़ हैं उसको पहले ऑक्ट कर रहा हूँ। और हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे हेयर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम अपनी पेंसिल को चलाएं अच्छे से। और गाइस, हाँ, ये याद रखना कि अगर आपको रियलिस्टिक हेयर्स बनाना है तो आप एकदम से बिल्कुल डार्क ग्रे की पेंसिल कभी ना यूज़ करें। अगर आपको रियलिस्टिक हेयर बनाना है तो पहले आप लेयर बाय लेयर जाएं, और फर्स्ट लेयर में जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो लाइट पेंसिल का यूज़ करें, जैसे कि HB हो गई और या 2B हो गई, तो इसी का यूज़ करें तो आपकी जो स्केच है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ पे अब फर्स्ट लेयर ऑक्ट होने के बाद मैं 4B पेंसिल की मदद से जो जो थोड़े थोड़े जो मेरे को डार्क एरियाज दिख रहे हैं मैं उसको ऑक्ट करूँगा। और हेयर्स की डायरेक्शन में हमको पेंसिल चलाना है अपनी, और हम अपनी ड्राइंग में जितना टाइम देंगे हमारी ड्राइंग उतनी ही रियलिस्टिक बनते जाएगी। और हेयर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि बिल्कुल एक एक हेयर हम बिल्कुल पूरी फ़ोटो से जैसे उतारें। जहाँ जहाँ हेयर्स के डायरेक्शन है उसमें पेंसिल चलाएं, और बाद में हम अपने मन से भी जहाँ हाइलाइटिंग एरिया से उसको दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि बिल्कुल हेयर की डायरेक्शन में ही हमको पूरी पेंसिल चलाना है। थोड़ा हम अपने तरफ से भी क्रिएटिविटी थोड़ा दिखा सकते हैं स्केच में अपने, तो काफ़ी ज़्यादा वो हमको आगे चल के बहुत मदद करेगी। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर भी ऑक्ट कर लिया हूँ। अब सेकेंड लेयर के बाद ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैं। और ब्लेंडिंग के लिए हमेशा, अगर आपको हेयर्स में ब्लेंडिंग करना है तो हमेशा आप ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है हेयर्स में, और बाद में हमको बाद में हाइलाइटिंग देने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। अब ब्लेंडिंग करने के बाद मेरे को और थोड़ा डार्क एरियाज़ को ऑक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैकेनिकल पेंसिल से और डार्क एरियाज़ को मैं थोड़ा ऑक्ट कर रहा हूँ, और बाद में इसको भी फिर ब्लेंड कर देंगे। तो इससे हम कभी भी लेयर बाय लेयर चलते हैं तो हमारा जो स्केच है वो अपने आप रियलिस्टिक टाइप का दिखने लगता है। अगर हम एक ही ग्रेड की पेंसिल से हेयर्स बनाएंगे तो उतना ज़्यादा उसमें रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आ पाता है। और अगर आप यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए, तो पूरा वो जो हमारे हेयर से पूरे मर्ज हो जाएंगे, और हमको मर्ज नहीं चाहिए जो हमारे हेयर्स की पूरी एक एक लाइन दिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि हेयर्स के लिए कभी भी हमें ब्रश का यूज़ करें। यहाँ पे हमारे हेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब डिटेलिंग की बारी आती है। तो डिटेलिंग के लिए यहाँ पे मैं टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और जो जो मेरे को वाइट एरियाज दिख रहे हैं मैं वहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे स्केच में हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद हाईलाइट देना है। और गाइस, स्केच का सबसे बेस्ट पार्ट यही मेरे को लगता है अपने हिसाब से कि हाईलाइट देना, जो मैं टॉम्बो मोनो इरेजर या नीडेबल इरेजर की मदद से देता हूँ। सबसे अच्छा हाईलाइटिंग करना अच्छा लगता है ज़्यादा। तो गाइस, यहाँ पे हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये स्केच और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।